जिंदगी में इज्जत है, स्वैरत है, हल्की फुल्की दौलत है, जो कुछ भी है वो संविधान और अम्बेडकर जी की बदौलत। जय बाबा। ये बताओ भाई साहब, आज 26 जनवरी है। हाँ, आज गणतंत्र दिवस है। अगर मान लो संविधान लागू नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? मजबूरी कर रहे होते कहीं। आज अपनी संविधान की वजह से, बाबा अम्बेडकर की वजह से संविधान बना दिया, तो अपनी ऑटो चला रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं आराम से। बसो होते हैं। 26 जनवरी सफल है, संवर रहे, संवर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। संविधान नहीं होता तो क्या होता, कैसी? संविधान नहीं होता तो हमारी स्थिति वही होती कि आज हम किसी के गुलाम होते, साधु नहीं होते। अच्छा, किसी के गुलाम होते, हम स्वतंत्र बैठ के आज भजन नहीं कर पाते भगवान का। अरे, तो संविधान के बारे में कुछ पता है आपको, किसने बनाया संविधान? हमारे डॉक्टर अम्बेडकर। अच्छा, आप जानते हो उनको? नाम सुने हैं, देखे तो नहीं है। चौराहे में अगर मूर्ति बनी होगी तो पहचान जाएंगे कि अम्बेडकर जी हैं कि महात्मा गांधी जी हैं, दोनों? नहीं, पहचान जाएंगे। क्या पहचान रहती है अम्बेडकर जी की कुछ विशेष? विशेष उनके चेहरा में थोड़ा दमक है। अच्छा। महात्मा गांधी चश्मा लगा के रखते हैं। अच्छा। जंगल में आवाज नहीं बची डाकू और शैतान की, एक अदालत राम की, दूसरी संविधान की। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हमारे पिता थे, सब कुछ हमारे लिए वो सब कुछ थे, सम्माननीय थे वो। अम्बेडकर जी को जानते हो? यस सर। पहचान जाओगे? पहचान जाएंगे। चौराहे में क्या खासियत रहती है उनकी, कोई भी मूर्ति अगर लगी हो? उंगली करे रहते सर, वो ऐसे करते रहते। और क्या रहता है? ये दूसरा हाथ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। दूसरे हाथ में क्या रहता है? पुस्तक रहती है उनकी। पुस्तक कौन सी है? संविधान की पुस्तक। संविधान की पुस्तक है ना। दिन गुजरता है काम में, रात कटती है सम्मान की, जय हो भारत देश की, जय हो भारत के संविधान की। भीमराव अम्बेडकर। संविधान नहीं होता तो आप क्या करते? लगता है कि अगर संविधान नहीं होता, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने शिक्षा का अधिकार नहीं लिखा होता, तो शायद मैं शिक्षित नहीं होता और आज मैं अपने गांव में यहां पर आपके सामने बात नहीं कर रहा होता, और ये चमकते हुए सितारे नहीं होते मेरे कंधे पर, मैं फावड़ा लेकर किसी खेत में पानी लगा रहा होता। अगर संविधान नहीं होता तो मुझे ये मालूम है कि बारिश के दिनों में मैं जंगल में गड्ढे खोदने जाता और सोचता कि 2 रुपए कहीं से कमा लूं। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समानता का अधिकार नहीं दिया होता, तो शायद मैं गर्मियों के दिनों में खेत में कटाई करके थ्रेसिंग करा रहा होता, और शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान, इतना खूबसूरत संविधान नहीं लिखा होता तो मैं गर्मियों के दिनों में तेंदू पत्ता संग्रहण के प्रयास में होता। तो मैं यही कहता हूं कि जिंदगी में इज्जत है, स्वैरत है, हल्की फुल्की दौलत है। जिंदगी में इज्जत है, स्वैरत है, हल्की फुल्की दौलत है, और जो कुछ भी है सब बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बदौलत है। ये पढ़े लिखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े। नहीं। किताब पढ़ लेते हो? नहीं पढ़े। अच्छा, संविधान के बारे में सुना है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। संविधान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ने से कुछ फायदे हैं? क्या क्या फायदा? आओ तो थोड़ा सा, आओ आओ आओ, एक मिनट। आज 26 जनवरी है ना? है ना 26 जनवरी? आज क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। अम्बेडकर जी को जानते हो? अम्बेडकर जी को जयंती? हाँ, अम्बेडकर जयंती। नहीं, आज अम्बेडकर जी को जानते हो? जानते हैं। हाँ, तो संविधान किसने बनाया था? अरे रुको तो बोलो, भारत माता की जय।